नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप गुलेरिया। आज आपके लिए लेके आए बहुत ही प्यारा एक घर। तो आज का जो घर हमारा रहने वाला है वो 3 BHK ईस्ट फेसिंग रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं अपने दोस्त को रिक्वेस्ट करूंगा, एलिवेशन आपको दिखाएंगे वो। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से एलिवेशन जो है इसका रहने वाला है। तो एक बहुत ही प्यारे एलिवेशन के साथ साइज़ की अगर बात कर ली जाए 107 गज में हमें ये घर मिलता है यहाँ पे। और फ्रंट की अगर बात की जाए तो 22.5 फिट का फ्रंट रहेगा, और अगर डेप्थ की बात की जाए तो 42.5 फिट की इसकी डेप्थ जो है वो रहने वाली है। तो एक परफेक्ट डायमेंशंस के साथ, एक बहुत ही प्यारे एलिवेशन के साथ। अब लोकेशन की बात कर ली जाए, सेक्टर 123 पड़ता है ये, जस्ट एट ज्वाइनिंग टू एयरपोर्ट रोड, जो आपका 200 फिट का मोहाली एयरपोर्ट रोड है, उसके जस्ट एट ज्वाइनिंग ही आपका ये घर रहने वाला है। आप ये कह सकते हैं कि हार्डली 300 से 400 मीटर पे डिस्टेंस पे आपका ये घर आपको मिलेगा। और कनेक्टिविटी की बात करें चंडीगढ़ से, तो बेहद नज़दीक इसकी कनेक्टिविटी रहने वाली है। मैक्सिमम अगर आप बात करके चलें तो 10 से 15 मिनट की ड्राइव पे आप यहाँ से चंडीगढ़ जो है वो कनेक्ट कर जाते हैं। तो एक बहुत ही प्यारे एलिवेशन के साथ 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस। तो आइए लिए चलते हैं आपको घर के अंदर भी। तो सबसे पहले बात करेंगे घर के फ्रंट की। तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है टाइल वर्क आपको घर के फ्रंट में मिलेगा। और गेट की अगर बात कर ली जाए तो आयरन गेट एक हेवी लुक में आपको यहाँ पे जो है वो गेट आपको मिलने वाला है। और पिलर्स आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपके जो टाइल्स वर्क सिमिलर मैच रहेंगे पिलर्स के भी, और ऊपर जो है वो आपको लैंप जो है लगा के यहाँ पे दिए जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने पार्किंग एरिया की। तो दोस्तों, पार्किंग एरिया आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है पार्किंग एरिया रहेगा, और स्टेयर्स के नीचे भी आपको यहाँ पे स्पेस मिल जाती है। इसमें आप अपना सिलेंडर या फिर इन्वर्टर वगैरह यहाँ पे रख सकते हैं। इस तरह भी बात की जाए तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आपको स्पेस यहाँ पे मिल जाता है। तो इस स्पेस को आप अपने अकॉर्डिंगली यूटिलाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप 2-व्हीलर वगैरह भी पार्क कर सकते हैं, या फिर अपना वॉशिंग एरिया अगर इसको मेंटेन करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो एक फ्रंट एलिवेशन आप ये देखिए, टाइल वर्क आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी एक एक्सेस रहेगा आपको विंडो का, जो कि अंदर आपके घर के अंदर अगर हम बात कर लें तो सनलाइट वेंटिलेशन प्रॉपर मिलती है उससे आपको। अब बात करेंगे अपने घर के अंदर एंट्री पे, सबसे पहले मेन डोर की। तो दोस्तों, सबसे पहले घर में एंट्री करने से पहले मैं बात करूँगा, यहाँ पे आपको दिखाना चाहूँगा साथ में मेन डोर। तो इस तरह से आपको जो है वो एक डोर यहाँ पे दिया जा रहा है, एक डिज़ाइनर डोर आपको मिलता है। और अब बात करेंगे अपने ड्राइंग डाइनिंग एरिया की। दोस्तों, ड्राइंग डाइनिंग का आप ये स्पेस देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये एरिया मिल जाता है। और आप ये देखिए यहाँ पर आपका जो है 7-सीटर सोफा आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और आपको विंडो का एक्सेस यहाँ पे मिलता है। आप ये देख सकते हैं बड़ा सा विंडो आपको यहाँ पे दिया जा रहा है, जिससे घर के अंदर जो है वो सनलाइट वेंटिलेशन आपको पूरा प्रॉपर मिला है आपको। अब इस हम वॉल की बात कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक बहुत ही प्यारी जो है वॉल हमें यहाँ पे दी जा रही है, और आप ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारा यहाँ पे जो है एक लंदन का एक पिक्चराइजेशन यहाँ पे किया गया है। तो बहुत ही प्यारा कंसेप्ट यहाँ पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब बात कर लें ऊपर जो है हमारा फॉल सीलिंग जो है एक बहुत ही प्यारे डिज़ाइन में आपको मिलती है LED लाइट्स के साथ। और बात कर लीजिए अब यहाँ पे AC फिटिंग्स की भी, जो कि पूरे ही घर में आपको यहाँ पे लगा के दी जा रही हैं। तो इस तरह से ओवरऑल हमारा रहेगा ड्राइंग डाइनिंग एरिया। इसी के साथ हम बात करते हैं अपने किचन की भी। तो किचन भी आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है किचन रहेगा, एल शेप में किचन रहेगा। स्पेस आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपका किचन आपको मिल जाता है। ऊपर जो है आपको कैबिनेट्स मिल जाते हैं, और नीचे जो है ड्रॉर्स मिलेंगे। कलर कम्बिनेशन आप ये देख सकते हैं, आप ये देखिए ऊपर जो है स्लैब ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल के साथ मिलती है आपको यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जो है चिमनी का स्पेस यहाँ पे दिया गया है, ताकि आप अपना चिमनी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो एक स्पेशियस आपकी किचन। अब बात कर लेते हैं दोस्तों अपने बेडरूम्स की भी। तो बेडरूम्स में शुरुआत करते हैं पहले इस रूम से। तो आप ये देख सकते हैं काफ़ी स्पेशियस आपको जो है वो रूम भी यहाँ पे मिलते हैं। तो आप ये देख सकते हैं एक बेड लगा, उसके बावजूद भी मूवमेंट के लिए काफ़ी जगह आपको यहाँ पे मिल जाती है। बात कर लें वॉलपेपर की भी, तो एक आपको प्यारा सा वॉलपेपर जो है यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। ऊपर जो है फॉल सेलिंग आप ये देख सकते हैं, एक प्यारे डिज़ाइन में फॉल सेलिंग आपको मिलती है यहाँ पे विद LED लाइट्स। अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा वॉशरूम भी। तो वॉशरूम का भी आप ये साइज़ देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस जो है आपका वॉशरूम मिलता है। नीचे एंड इसके टाइल्स और फॉल सेलिंग हाइट आपकी जो है टाइल्स यहाँ पे लगा के आपको दी जा रही हैं। इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे अलमीरा। तो फुल सीलिंग हाइट आपकी अलमीरा रहेगी, ऊपर कैबिनेट्स मिल जाते हैं, नीचे आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाते हैं। तो इस तरह से आपको जो है वो आपकी अलमीरा मिलेगी। अब बात कर रहे हैं इधर भी, तो इधर आपको जो है
एक LED पैनल यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं अपने हम सेकेंड बेडरूम की भी। तो दोस्तों सेकेंड बेडरूम का भी आप ये साइज़ देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये बेडरूम भी मिल जाता है। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं बेड लगा है, उसके बावजूद भी आपके इस मूवमेंट के लिए काफ़ी जो है जगह निकल के आ जाती है। इस तरफ भी आपको एक वॉलपेपर जो है वो दिया जा रहा है। अब बात कर लें ऊपर फॉल सीलिंग की भी, तो एक डिसेंट लुक में आपको जो है फॉल सीलिंग भी यहाँ पे मिल जाती है LED लाइट्स के साथ। दिखाना चाहूँगा आपको मैं वॉशरूम भी, तो वॉशरूम आप ये देख सकते हैं नीचे एंट्रेंस के टाइल्स और फुल सीलिंग हाइट आपकी जो है टाइल्स आपको लगा के दी जा रही है यहाँ पे, और सारी वॉशरूम फिटिंग भी आपको यहाँ पे साथ में दी जा रही है। अब बात कर लें अपने अलमीरा की भी, तो सेम आपको जो फर्स्ट रूम में अलमीरा मिली वही आपको एज इट इज़ यहाँ पे भी मिल रही है। ऊपर आपको कैबिनेट्स, नीचे आपको यहाँ पे वार्डरोब्स मिल जाती हैं, और ड्रेसिंग टेबल भी यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है, और एक LED पैनल आपको यहाँ पे भी मिलता है। अब बात करेंगे अपने हम वॉशिंग एरिया की भी, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपका जो है वॉशिंग एरिया आपको यहाँ पे मिलता है। तो काफ़ी स्पेशियस ये वॉशिंग एरिया रहेगा। टास्क फिटिंग यहाँ पे लगा के दी जा रही है ताकि अपना वॉशिंग मशीन इजीली यहाँ पे लगा सके। तो दोस्तों ये था हमारा 2 बेडरूम सेट ग्राउंड फ्लोर पे। अब हम बात करेंगे अपने 1 बेडरूम सेट ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी, तो आइए ले चलते हैं। तो दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे जाने से पहले आपको दिखाना चाहूँगा मैं स्टेयर्स भी, तो आप ये देख सकते हैं इस तरह से आपकी जो है ब्लैक ग्रेनाइट मार्बल के साथ जो है स्टेयर्स मिल जाती हैं, और रेलिंग आप ये देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील रेलिंग यहाँ पे साथ में आपको लगा के दी जा रही है। अब लिए चलते हैं आपको फर्स्ट फ्लोर पे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने बालकनी की, तो आइए हम लिए चलते हैं आपको बालकनी में भी। दोस्तों आप ये बालकनी एरिया देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस आपको बालकनी मिलती है यहाँ पे। साइड में आप देखेंगे यहाँ पे टफन ग्लास जो है वो यहाँ पे लगा के दिया जा रहा है, स्टेनलेस स्टील रेलिंग जो आपको वो मिलती है। अब बात करें घर के सामने जो है वो फ्रंट रोड आपका 30 से 35 फीट का आपको वाइड रोड यहाँ पे मिल जाता है। आइए अब लिए चलते हैं आपको बेडरूम की तरफ। दोस्तों स्पेस देख सकते हैं आप ये फर्स्ट फ्लोर पे आपका बेडरूम का, तो काफ़ी स्पेशियस आपको ये बेडरूम भी मिल जाता है यहाँ पे। सामने बात कर लीजिए, एक प्यारा सा वॉलपेपर जो है वो हमें लगा के दिया जाएगा। एसी फिटिंग्स यहाँ पे सारी मिलेंगी आपको, और ऊपर की अगर बात कर लीजिए फॉल सीलिंग, तो आप ये देख सकते हैं एक डिजाइन डिज़ाइन में आपको जो है फॉल सीलिंग यहाँ पे मिल जाती है LED लाइट्स के साथ। अब दिखाना चाहूँगा आपको मैं आपका वॉशरूम भी, तो आप ये स्पेस देख सकते हैं वॉशरूम का भी, तो काफ़ी स्पेशियस जो है वो आपको वॉशरूम मिलता है यहाँ पे। नीचे एंट्रेंस के टाइल्स फुल सीलिंग हाई टाइल्स रहेंगी आपकी, और सारी वॉशरूम फिटिंग जो है वो आपको लगा के यहाँ पे दी जा रही है। और साइड की बात करें तो आपको यहाँ पे जो है वो अलमीरा भी आपको यहाँ पे मिल जाती है, और इस तरफ जो है आपको एक बड़ा सा जो है वो विंडो यहाँ पे दिया जा रहा है ताकि आपका जो है सनलाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर आपको यहाँ पे मिले। अब बात कर लेते हैं अपने ओपन एरिया की। तो दोस्तों ओपन एरिया में जाने से पहले मैं आपको स्पेस दिखाना चाहूँगा, तो इस जगह को भी आप अपने तरीके से यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आप किचन की तरह इसको ट्रीट करना चाहें वो भी कर सकते हैं, या फिर एज ए स्टोर रूम भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात करेंगे अपने ओपन एरिया की। दोस्तों आप ये स्पेस देख सकते हैं, तो काफ़ी स्पेशियस आपको जो है वो ओपन एरिया मिल जाता है यहाँ पे। और इसी के साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे स्टेयर्स, तो आप ये देख सकते हैं ऊपर अगर छत पर जाने के लिए आपको जो है वो स्टेयर्स का एक्सेस यहाँ पर दिया जा रहा है, और वाटर टैंक भी जो है आपको वो छत पे ही लगा के यहाँ पे दिया जा रहा है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का 3 BHK इंडिपेंडेंट हाउस, एक बहुत ही प्यारे एलिवेशन के साथ, ईस्ट फेसिंग, और कनेक्टिविटी जो हमारे व्यूअर्स चंडीगढ़ से देख रहे हैं तो उनके लिए बेहद ख़ास ये घर रहने वाला है, क्योंकि हार्डली आप यहाँ से 10 से 15 मिनट में जो है वो चंडीगढ़ कनेक्ट कर जाते हैं। और सराउंडिंग आपको यहाँ पर वो हर चीज़ मिलने वाली है जिसकी हम उम्मीद करते हैं, चाहे हम बात करें मार्केट की, चाहे हम बात करें स्कूल की, कॉलेज की, मंदिर, गुरुद्वारा साहब, हॉस्पिटल, सब कुछ ही यहाँ पे आपको आसपास ही मिलने वाला है। तो दोस्तों अब बात कर लें डिमांड की भी, तो जो बिल्डर की तरफ से आस्किंग प्राइस है वो है 83,90,000, जो कि नेगोशिएबल रहेगा। तो मेरी अपने व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है एक बार ज़रूर इस प्रॉपर्टी को विज़िट करें, अगर वो ऐसी लोकेशन देख रहे हैं जो चंडीगढ़ के बेहद नज़दीक हो, तो सबसे बेस्ट ये उनके लिए घर रहने वाला है। हमारे नंबर जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हैं, स्क्रीन पर हमारे नंबर चल रहे हैं। अगर कोई भी आपको जानकारी इस घर के रिगार्डिंग चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं और विज़िट का शेड्यूल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए मुझे आप इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं नई प्रॉपर्टी पे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।